वृंदावन वासी जात वैष्णवे वंदना करी सवार Thank you.
Thank you.
तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः बृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कटु साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजी प्रणाम। हरे कृष्ण। ये ग्रंथ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का उपादेशामृत है, इसलिए कुछ भक्तों ने प्रभुपाद से प्रश्न किया। बोले क्या प्रश्न किया, कहते कहते वास्तव रूप में कहते शिष्य कौन है। हम कहते ना हम शिष्य है। तब कहते वास्तव रूप में शिष्य कौन है, तो इसका उत्तर में प्रभुपाद कहते हैं बोले भगवान कृष्ण चंद्र आमार मंगल रे जावतीय भार जार करे अर्पण करे छेन। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान जो कृष्ण ही वास्तव रूप में हमारे जीवन में कल्याण कैसे हो, किसको ऊपर उन्होंने अर्पण किया है, बोले गुरु जी को ऊपर। इसलिए महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लेता भी। मतलब हम गुरु जी के शरण में कब आते हैं, कभी ब्रह्मांड भ्रमण करते 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 भगवान से हम अनंत काल से भगवान को भूल गए, कब से भूले कोई पता नहीं। इसलिए कहते हैं कृष्ण बोले सही जीव अनादि बहिर्मुख, कृष्ण को अनादि काल से हम भूल करके कभी कीड़े मकोड़े कभी पशु पक्षी कभी पेड़ जन्म में जाते हैं कभी स्वर्ग में जाते हैं कभी नरक में जाते हैं कभी कीड़े मकोड़े बनते हैं हैं कभी राजा बनते हैं कभी प्रजा बनते हैं। ऐसे ही हम 14 ब्रह्मांड और 84 लाख योनि में हम भटक रहे हैं। लेकिन ऐसे ब्रह्मांड भ्रमण करते करते हमारे क्या हो रहा है, जान और अनजान में हमारी कुछ सुकृति बन रहा है। सुकृति मतलब उत्तम कृति, उत्तम कृति मतलब जब हम कोई काम किसी साधु के लिए बा भगवान के किसी भक्त के लिए जान अनजान में जब हमारे कुछ कर्म हो जाता है, कहते एक पाप एक पुण्य, पाप का फल नरक पुण्य का फल स्वर्ग, ये दोनों नष्ट हो जाती है। लेकिन जो सुकृति है ना ये नष्ट नहीं होता। बोले क्यों, जो पाप और जो पुण्य है ये शरीर संबंधी है,
जैसे किसी दुखी दरिद्र को भोजन खिला दिया, कहीं स्कूल कॉलेज खोल दिया है, किसी को दान दे दिया, कहते ये शरीर के लिए हमने किया है, इसलिए इसका फल किया स्वर्ग, स्वर्ग पुण्य खत्म होते फिर आओगे। हैं पाप मतलब किसको हमने दुख कष्ट दिया, किसको सताया, इसका फल किया शरीर संबंध दिया, इसलिए नरक फिर वहां से खत्म। लेकिन जो सुकृति जो चीज है वो तीसरे चीज है, ये कभी नष्ट नहीं होता है। बोले क्यों नष्ट नहीं होता है? बोले ये आत्मा संबंधी है, ये आत्मा संबंधी। किसी साधु को वही दान दे दिया, तुलसी में पानी दे दिया, तुलसी परिक्रमा की, वृंदावन में गए, ठाकुर को जो सेवा पूजा करते हैं, कभी ये आत्मा संबंधी, ये कभी नष्ट नहीं होगा। ये केवल तुम्हारी संचय हो रहा है, केवल डिपोजिट हो रहा है। ऐसे डिपोजिट होते 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 कभी जब ये बृहत आकार धारण करता है, बड़े आकार धारण करता है, बोले इसका फल क्या है? बोले इसका फल है भगवत इच्छा से फिर उसको संतों का दर्शन मिलता है, उसका संतों का दर्शन मिलते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, ऐसे ही ब्रह्मांड भ्रमण करते करते कौन, कौन मतलब क्या, जिनको पूर्व पूर्व जन्म में जिसने बहुत जिनिस का सुकृति इकट्ठा हुआ है, हैं पूर्व जन्म में बहुत संतों की सेवा किया, भक्तों की सेवा की, भगवान के लिए बहुत कुछ किए हैं, तब फिर क्या होता है, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, फिर गुरु और कृष्ण कृपा से दोनों के आशीर्वाद से उसको क्या होगा, भक्ति रूपी लता रूपी जो बीज है उसको हृदय में गुरुदेव उसको बो देते हैं, हैं बो देते हैं। इसलिए कहते भैया गुरु जी कौन है, गुरु जी बोले गुरु जी हुए हैं ठाकुर जी, हमारी जो कुछ दायित्व ये गुरु जी ऊपर दिया है, ये क्योंकि जो भक्ति है इसलिए गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे, बोलते ये जो गुरु निष्ठा है, कहते ये शरीर का बैकबोन है, जैसे हमारी रीढ़ है ना, अगर रीढ़ नहीं होगा हम बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए कहते जो गुरु जी के ऊपर जो निष्ठा है ना, कहते ये हमारी रीढ़ है, हड्डी के रीढ़ है, मतलब जिसको जितने गुरु जी की चरण में निष्ठा है उसको उतना ही भक्ति जगत में प्रवेश है। इसलिए कहते हैं है? जस्य देवे परा भक्ति जथा देवे तथा गुरु, जैसे भगवान में हमारी पराभक्ति है वैसे गुरु जी के चरण में होनी चाहिए। बल्कि इसलिए गुरुदेव के तीन तरह के भक्त है, एक उत्तम, एक मध्यम, एक कनिष्ठ। बोले उत्तम भक्त कौन है? बोले भगवान का प्रति जितने तुम्हारी भक्ति है उससे ज्यादा तुम्हारी गुरु जी के प्रति होनी चाहिए, कहते उत्तम भक्त है। बोले मध्यम भक्त कौन है? बोले जैसे भगवान के प्रति तुम्हारी रुचि है वैसे गुरु जी का प्रति रुचि होनी चाहिए, कहते मध्यम भक्त। बोले ये कनिष्ठ भक्त कौन है? बोले भगवान को तो बड़े आदर देते हैं, हैं अर्चया मेव हरे, लेकिन अर्चा विग्रह का प्रति तो उनका बड़ा निष्ठा है, न तद भक्ते सुचान्य सुसब भक्त प्राकृत मिश्र, लेकिन भक्तो गुरु जी का प्रति उसको इतना निष्ठा नहीं, कहते ये प्राकृत ये कनिष्ठ भक्त है, हाँ ये कनिष्ठ भक्त है। इसलिए कहते गुरुदेव कौन है? बोले ठाकुर जी, गुरु जी को ऊपर में हमारी कल्याण कैसे हो, ये दायित्व किसको पर दे कर रखे? बोले श्री गुरु जी को ऊपर में दे करके रखे हैं। इसलिए कहते सही गुरुदेव श्री पाद पद में यदि आमी संपूर्ण शरणागत होते पारी तभी आमी प्रकृत शिष्य। कहते वास्तव शिष्य कौन है? बोले ऐसे जब श्री गुरु जी के चरण में हम वास्तव रूप में जब हम शरणागत हो जाए तब क्या होगा, तब हम प्रकृत शिष्य कहलाने का तब हम लायक बनेंगे, नहीं तो केवल मंत्र दीक्षा लेने से शिष्य कोई नहीं होता है, हैं? शिष्य मतलब जो शासन को स्वीकार करे, गुरु जी की शासन को जो स्वीकार करे वो शिष्य है। बोले श्री गुरुदेव हमार मंगल जन्य जो व्यवस्था करें ता न तो श्री ग्रहण कराई हमार कर्तव्य, कहते या प्रकृत शिष्य विचार, कहते वास्तव का शिष्य का विचार किया है, जो सही शिष्य है उनका विचार कैसे होनी चाहिए, कहते उनको विचार होनी चाहिए तो श्री गुरुदेव हमार मंगल जन जो व्यवस्था करें, गुरुदेव हमारी कल्याण के लिए जो व्यवस्था करते हैं उसको क्या करनी चाहिए, न तो स्थिर ग्रहण करा दरकार, मतलब
सर को नीचा करके गुरुदेव जो आदेश करे उसको सर पर धारण करते हुए उसको ग्रहण करनी चाहिए, नतुबा जीव का अमंगल होना अनिवार्य, नहीं तो जीव का कोई मंगल होने वाले नहीं है। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते थे, उदालक एक शिष्य था, हैं उदालक। अभी पहले क्या होता था, जैसे भगवान राम कृष्ण गुरुकुल में जाते थे ना, पहले शिष्य लोग गुरुकुल में जाते थे, 20-25 साल तो गुरुकुल में रहते थे और गुरुजी की वहाँ पर सेवा करते थे। उदालक आया पहले कैसे, अभी जैसे हमारा आश्रम, पहले तो जंगल में सब गुरुदेव रहते थे, जंगल में कुटिया बना करके आए और गुरुदेव का खेती था, पहले आकर के शिष्यों को सेवा करना पड़ता था। अब भगवान राम को देखे ना, हावड़ा में मिट्टी काट रहे, भगवान कृष्ण भी गुरुजी के लिए लकड़ी लेने के लिए गए, लकड़ी लेने के लिए ठाकुर जी स्वयं जाते हैं। इसलिए जब आए, बरसात हो रहा था, खेती था, खेती में गुरुदेव ने कहा देख उदालक जाओ, खेती में बारिश हो रही है, क्या होगा, वो पानी अगर खेती से बाहर निकल गया ना फिर वो खेती नहीं होगा, बोले जाओ जो मेड़ है ना उसको ठीक से देखना, जैसे पानी जमीन से चले नहीं जाए। और वो गए, देखा सचमुच से बारिश हो रही है और पानी तो मेड़ को तोड़ कर पानी जा रहा है। उन्होंने बड़े मिट्टी को वहाँ पर खूब मिट्टी डाले, लेकिन पानी बहते जा रहे बहते जा रहे। लास्ट में क्या किया, जब किसी तरह से पानी को रोक नहीं पाए ना, लेट गए पूरा शरीर को लेटा दिया वहां पर, हैं। इतने में गुरुदेव ने देखा वो आ ही नहीं रहा है, शिष्य आ ही नहीं रहा है। इतने गुरुदेव ढूंढते ढूंढते आए, शाम को देखा वो मेड़ बनकर के लेटा हुआ, पानी चले नहीं जाए, मेड़ बनकर लेटा हुआ। उसका शरीर कांप रहा है, एकदम शरीर ना एकदम सफेद हो गया, शरीर सफेद हो गया क्योंकि पानी में लेटा हुआ ना। गुरुदेव उसकी सेवा चेष्टा को देख करके इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, अरे तुमने गुरुदेव को सेवा के लिए तुमने अपना प्राण को भी तुमने अर्पण कर दिया। तो गुरुदेव खुश होकर आशीर्वाद, बेटा जा, तेरे हृदय में समस्त वेद पुराण इतिहास तुम्हारे हृदय में सब प्रकट हो गए। गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, बस उसका हृदय में सारे शास्त्र पकड़ रखे, क्यों, गुरु जी की सेवा की। फिर गुरुदेव उदाहरण देते थे, उपमन्यु भी उनका शिष्य, एक गुरु जी के शिष्य थे। अभी गुरु जी परीक्षा करते हैं, बोले जा गैया चरा करके आ, आश्रम का गैया को रखा कर, गैया को चराने के लिए गए, लेकिन गुरु जी कुछ खाना नहीं देते थे। लेकिन देखा उसका शरीर मोटा छोटा, बोले बेटा मैं तो तेरे को कोई खाना देता ही नहीं, तेरे शरीर हेल्दी कैसे, बोले गुरुदेव गैया का दूध पी लेता हूँ। बोले गैया का दूध पी ले तो, गैया का दूध बछड़े के लिए, तेरे लिए थोड़ी, तू क्यों दूध पीते हो, खबरदार गैया का दूध पीना नहीं, बछड़े के लिए। अभी क्या करेगा, भूख लग रहा है, तभी देखा उसका शरीर हेल्दी है, बोले बेटा तेरे को तो मैं खाना देता ही नहीं, तेरे शरीर हेल्दी कैसे। बोले गुरुजी जब बछड़े दूध पीते हैं ना, आप देखना जब दोनों तरफ में झांक निकलता है, वो झांक को मैं लेकर के खा लेता। बोले ऐसे नहीं करना, बछड़े जानबूझ करके ना तेरे लिए झांक बनाते हैं, हाँ तेरे के लिए, तू भूखा रहते ना, खबरदार इसको नहीं खाना, वो बछड़े के लिए। बोले ठीक है गुरुदेव। अभी गुरुजी सब सब मना कर दिया, खाने नहीं देते, फिर खाएगा क्या, जो आकंद है ना, आकंद का पेट उसको तोड़ो, देखना उसका जो जूस निकलता है दूध जैसे, भूख लगा तो खाएगा कैसे। इसने उसने किया कि बस आकंद का जो जूस पी लिया, वो तो जहरीले होता है, वो तो उसका आँख अंधा हो गया, तो चलते चलते कुएं में गिर गया। गुरुदेव देखा उपमन्यु आया ही नहीं, तो गुरुदेव ढूंढते ढूंढते है, बोले उपमन्यु तुम कहाँ हो। बोले गुरुजी आँख अंधा हो गया, कुएं में गिर पड़ा। तो गुरुदेव आए, फिर गुरुदेव आशीर्वाद दिया, आंखों के ऊपर हाथ घुमा दिया ना, फिर उनकी आंखों की रोशनी आ गई। फिर गुरुदेव आशीर्वाद, जा तुम्हारे हृदय में समस्त वेद वेदांत स्फूर्ति हो जाए। इसलिए उपनिषद में कथा आती है, क्योंकि उन्होंने गुरु जी की सेवा किया, भगवान कृष्ण भी सेवा किया गुरु जी की। गुरु माता बोला लकड़ी लेने के लिए जाओ, लकड़ी लेने के लिए ठाकुर जी गए, लकड़ी के बोझे को सर पर रख करके आ रहे थे, बारिश हुई,
चारों तरफ में पानी 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 पानी, अभी पानी पानी, अभी इतना पानी हो गया गड्ढा ऊंचा पता नहीं चल रहा है, लेकिन लकड़ी को सर पर रखे क्यों, लकड़ी अगर नीचे रखे तो गीली हो जाएगी। अभी ठाकुर जी के लिए रसोई बनेगा ना, गुरु जी की रसोई कैसे बनेगा गिली, सर से ठाकुर से नीचे नहीं उतार रहे। इतने में गुरुदेव शाम को देखा कृष्ण सुदामा आए नहीं, गुरु जी ढूंढते ढूंढते बोले कृष्णा सुदामा तुम दोनों कहाँ हो, बोले गुरुदेव हम यहाँ पर, बोले वहां क्या कर रहे, देखो सूखी लकड़ी गठली लेकर के ठाकुर जी खड़े, और जिनकी एक ब्रुकटी में सारा दुनिया में सृष्टि सिद्धि प्रलय हो जाए हैं, कृष्ण इच्छा किया था रात रात सुदामा के सोने की महल बना दिए, लेकिन आज उन्होंने गुरु सेवा के लिए उन्होंने कैसे आत्मसमर्पण किया, गुरुदेव संतुष्ट हो गए, बोले बेटा आशीर्वाद दे, जब 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 तक वो दुनिया रहेगा तब तक दोनों का नाम होता रहेगा। देखो भागवत में नाम लिख गया ना, नाम लिख गया ना भागवत में इनकी है, इसलिए इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं वास्तव रूप में जो शिष्य है वो क्या करता है, कहते शिष्य उसको ये विचार होनी चाहिए गुरुदेव हमारा मंगल जी ने, गुरुदेव हमारे कल्याण के लिए जैसे व्यवस्था करते हैं उसको सर को नीचा करके उसको गुरु जी की आदेश को पालना करने पर क्या होगा, तब हम वास्तव रूप में शिष्य बन सकते हैं, नहीं तो हमारी कल्याण होने वाले नहीं। इसलिए जिन्हें भोगी ना होए इंद्रिय द्वारे विषय भोग ना करे गुरुवानुगत सतत भगवत सेवा करने तिनी प्रकृत शिष्य, मतलब वास्तव शिष्य का लक्षण क्या है, वास्तव शिष्य का लक्षण क्या है, लक्षण है जो भोगी नहीं बनते हैं, जो भोगी नहीं बनते हैं क्या करते हैं, अपना इंद्रिय विषय भोग नहीं करके गुरुवानुगत्य में हर समय जो भगवान की सेवा करते हैं। गुरुदेव भी क्या करते हैं, गुरुदेव थोड़ी बोलते दिन भर हमारी सेवा कर, नहीं गुरुदेव कहते ठाकुर को सेवा करो, भगवान की सेवा करो 24 घंटा क्या करो, ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी की भक्ति करो है, यही गुरु जी की आदेश है। इसलिए तीनी प्रकृत शिष्य वास्तव रूप में वही शिष्य है, वही शिष्य है। इसलिए लेकिन कलयुग में ये स्मार्टफोन टीवी गंदी गंदी चीज आकर के ना हमारी बुद्धि को खराब कर रहा है, बुद्धि को खराब करता है, इसलिए ये सब गंदी चीजों से हमें दूर रहनी चाहिए, पास में नहीं रखनी चाहिए स्मार्टफोन उल्टा पुल्टा। अगर कहीं इसमें भगवत सेवा हो रहा है, ठाकुर जी की सेवा हो रहा है, उसको उतना ही यूज करनी चाहिए, नहीं तो जो स्मार्टफोन है ना ये साक्षात काल बन जाती है, जीवन का हमारी ये काल बन जाती है, काल बन करके बस काल अपना गाल में ले लेता है, काल हमारे गाल में ले लेता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि तो गुरुवानुगत करके सतत भगवत जो सेवा करते हैं, हमारी जितने सारे चेष्टा है कि जितने सारे चेष्टा में हमारी भावना क्या रहनी चाहिए, हम ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न करें, गुरु वैष्णव को कैसे हम प्रसन्न करें, उनकी सारे चेष्टा इसमें रहनी चाहिए हैं, इसमें रहनी चाहिए। ये जगतेर सबई गुरु सेवार उपकरण, कहते जो वास्तव शिष्य वो किस चीज रूप में देखता है, देखता है जगत में जितने सारे वस्तु है ना ये सब के सब गुरु सेवा के लिए है, कोई भी चीज हमारी भोग के लिए नहीं, सब चीज गुरु जी की सेवा के लिए। इसलिए सबई कृष्ण सेवार वस्तु, तो गुरुदेव किसके हैं, हाँ शिष्य तो सोचते हैं सब गुरु सेवा के लिए, लेकिन गुरुदेव क्या सोचते हैं, बोले गुरुदेव ये सोचते हैं ईसा भाष्य विदम सर्वम जत किंजा जगत है, जगत जगत में जो कुछ देख रहे हैं सब भगवान की सृष्टि का ठाकुर जी का, इसलिए हर चीज क्या होनी चाहिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए ही हर चीज व्यवहार होनी चाहिए। गुरु सेवा उपकरण भोग बुद्धि मंगल हवे ना, प्रभुपाद कहते सारी चीज किसके लिए, गुरु सेवा के लिए। अगर गुरु सेवा की वस्तु का प्रतीक और तुम्हारी भोग बुद्धि हो गई जो गुरु सेवा के लिए भगवत सेवा के लिए, फिर उनकी सेवा में नहीं लगा, अगर तुम्हारी बुद्धि हो गया भोग बुद्धि करने के लिए भोग के लिए, बस तुम्हारी अमंगल है, तुम्हारी अमंगल है। इसलिए सबई कृष्ण सेवार वस्तु गुरु सेवार उपकरण भोग बुद्धि वाले मंगल हवे ना, प्रत्येक वस्तु ते गुरु दर्शन ना होले अमंगल अनिवार्य।
हर वस्तु में हमारी क्या भावना होनी चाहिए? गुरु दर्शन होनी चाहिए। हर चीज में गुरु दर्शन हमारी होनी, हर वस्तु का जो मालिक कौन है? श्री गुरुदेव है। कोई वस्तु हमारी है ही नहीं, हर वस्तु गुरु जी का ही है। हर वस्तु गुरु जी सेवा के लिए समस्त वस्तु है। इसलिए प्रकृत शिष्य यह मर्म मर्म अनुभव करे, सतत गुरु कृष्ण सेवा के ही जीवन करे। जो वास्तव रूप में जो शिष्य है वो अपना मर्म मर्म, मर्म मर्म मतलब क्या होता है? अपना मर्म मर्म क्या होता है? इसलिए हर चीज को है? हाँ, इसलिए कहते हैं हर चीज को ये अनुभूति क्या करते हैं, हर चीज को ये हर वस्तु भगवान की और गुरु जी की सेवा की हर वस्तु है। ये चीज को कणकड़ में ये विश्वास करता है, हैं? ये कणकड़ में ये चीज को विश्वास करता है, गुरु जी की सेवा, ठाकुर जी की सेवा के लिए ये समस्त वस्तु है। प्रकृत शिष्य अंतर बाहिरे गुरु दर्शन करे। इसलिए जो वास्तव रूप में जो शिष्य है क्या दर्शन करता है? बाहर भी गुरु दर्शन और अंदर में भी गुरु जी को ही दर्शन करता है। शिष्य निज के लघु जानी ले, तार लघु दर्शन व भोग दर्शन नाई। जैसे शिष्य है अपने आप को क्या दर्शन करता है? लघु, लघु मतलब छोटा। हम कौन है? गुरु जी का सेवक, ठाकुर जी का सेवक। कोई अगर सोचेगा अरे हम छोटे थोड़ी है, हम तो बड़े हैं, हम इतने छोटे क्यों बनने के लिए जाएंगे, हम तो बड़े हैं, कहते नहीं। जो जितना अपने आप को छोटा दर्शन करता है ना, वो उतना ही भगवान का प्यारा होता है। हनुमान जी को देखो, भावना क्या है? मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक ठाकुर जी का, रघुनाथ ही मेरे जीवन का जीवन है। वो अपने आप को छोटा मानते हैं। जब राम दरबार लगता है, हनुमान जी कहाँ बैठे हुए होते हैं? चरण में बैठे हुए होते हैं। लेकिन चरण में बैठते हैं, अब देखना जितना राम का मंदिर होगा ना, उससे ज्यादा हनुमान जी का मंदिर होगा, है कि नहीं? राम का मंदिर इतने नहीं है, लेकिन जगह जगह पर देखो हनुमान हनुमान जी की पूजा हो रही। क्यों? वो अपने आप को लघु दर्शन करता है, छोटा दर्शन करता है। हम राम का सेवक है, इसलिए हनुमान जी की सर्वत्र उसकी पूजा हो रही है, उसकी पूजा हो रही है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अपने आप को जो शिष्य तो छोटा मानते हैं, लेकिन मानने पर भी लघु दर्शन व भोग्य दर्शन नहीं। इसलिए छोटे मानने पर भी जगत में जो जितने भगवान की सेवक आई, भगवान की भक्ति करे, जगत में उतना ही बड़ा है, उतना ही वो बड़ा है। गुरु छड़ा ए जगते आमार, आपन बल त्यार क्यों नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो सही शिष्य है क्या समझते हैं, भैया गुरु जी को छोड़ करके अगर कोई अपना कोई जगत में कोई व्यक्ति जगत में गुरु जी को छोड़कर हमारी कोई नहीं। क्यों? ये जगत स्वार्थ का जगत है। ये जगत जब जो काम करते हैं ना, वो स्वार्थ के लिए करता है, हैं? पिता भी बेटे को प्यार क्यों करता है? कहते मैं बड़े होने दिन पर बुढ़ापा समय में हाथ की लकुटी मेरा बेटा बनेगा, हैं? सहारा करेगा। पति पति में प्रेम क्यों? अपने में स्वार्थ है। लेकिन कहते वास्तव रूप में जो गुरु है ना, उसके अंदर में कोई स्वार्थ है, इसके अंदर में नहीं है, कोई स्वार्थ है नहीं है। वो क्या चाहता है? कहते जो वास्तव रूप में जो गुरु है, अंदर बैठो, कहते वास्तव रूप में जो गुरु है उसके अंदर में कोई स्वार्थ नहीं रहता है। हाँ, एक स्वार्थ तो है। बोले क्या 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 स्वार्थ है? कैसे एक जीव को अगर हम किसी तरह से भगवान की भजन में लगा करके अगर इसको अगर हम भगवान तक पहुंचा दिया तो बस हमारी काम बन गई। इसलिए जिस समय ध्रुव महाराज वैकुंठ विजय कर रहे थे, वैकुंठ विजय कर रहे थे, ए नारद जी बिना बजा बजा करके इतने खुश हो रहे थे, क्योंकि आज एक जीव को मैंने भगवान तक पहुंचा दिया, ठाकुर जी को हमने पहुंचा दिया। गुरु जी का ये काम है। जब इसलिए गुरुदेव जब देखते हैं कोई एक शिष्य निष्कपट होकर के, सारे कपटता को परित्याग करके, बाहर और भीतर एक बन करके सचमुच से भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, तब गुरुदेव संतुष्ट होते, भैया शिष्य बनना सार्थकता हो गया, क्योंकि इसके अंदर में भजन की वृत्ति है, भगवान की भक्ति करने की वृत्ति है, प्रभु की भजन करने का वृत्ति। गुरुदेव प्रसन्न होते हैं, गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, इसलिए गुरु छाड़ा जगत आमार प्रकृत बोलता के नाई। बोले गुरु जी को छोड़ करके जगत में अपना बोल करके अगर कोई है ना, श्री गुरु जी है,
इसलिए उनका नाम गुरु। गु मतलब होता है अंधकार, रू मतलब होता है आलोक, जो हमारे हृदय की समस्त अज्ञान को दूर करके भगवान की प्रेम भक्ति रूपी ज्ञान को जो संचार कर दे। ये कौन है? श्री गुरुदेव है। यही सुबुद्धि निष्कपट शिष्य था के बल, जो शिष्य है वो निष्कपट रूप में एक ही भावना को वो धारण करते हैं। प्रकृत शिष्य गुरुदास अभिमाने प्रतिष्ठित एवं गुरु ते ईश्वर बुद्धि विशिष्ट, बोले जो वास्तव रूप में जो शिष्य है वो क्या करता है, कहते अपने आप को क्या अभिमान करता है, कहते कृष्ण दास नहीं है, हम किसके दास है? गुरु जी का दास है। किसके दास है? गुरुदास है, कृष्णदास। इसलिए कल हम सुन रहे थे ना प्रभुपाद का उपदेशामृत में, वास्तव रूप में भगवान की सेवा कौन कर सकता है? बोले जो डायरेक्ट भगवान की सेवा करते हैं वो भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं, जो गुरु वैष्णव की अनुगत्य में सेवा करते वही सही शिष्य है, सही प्रकृत वास्तव रूप में वही भगवत प्राप्ति वही कर सकता है, जो गुरु वैष्णव की अनुगत्य सेवा करता है, है? इसलिए यही गुरु ते ईश्वर बुद्धि विशिष्ट, इसलिए उनको गुरु जी का प्रति भावना क्या रहता है, कहते साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। समस्त शास्त्र क्या कहता है? जो गुरुदेव कौन है? ये भगवान की अभिन्न प्रकाश है, ठाकुर हमारी कृपा करने के लिए उनको कृपा ही एक मूर्ति रूप धारण करते हुए आए। कौन? श्री गुरुदेव। श्री गुरुदेव, बोले श्री गुरुदेव की। अरे जोर से बोला, बोले श्री गुरुदेव की। इसलिए जगत में ये गुरुदेव रूप में ठाकुर का कृपा ही ये मूर्ति रूप धारण करके जगत में आए हैं। गुरु ते तार प्रगाढ़ विश्वास और सहज प्रीति, कहते गुरुदेव का चरण में उसकी प्रगाढ़ विश्वास भी है और सहज रूप में गुरु जी का प्रति उसकी प्रीति भी है। प्रकृत शिष्य गुरु के परम आत्म स्वरूपे कृष्ण प्रेष्ट रूपे प्रीत्यास्पद रूपे नित्य प्रभु रूपे नित्य सेव्य एवं जीवन सर्वस बोले जाने। यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद, जो वास्तव रूप में जो शिष्य है वो गुरु जी को किस रूप में जानते हैं? प्रभुपाद यहाँ बहुत बहुत सारी उनने विशेषण दिया है। कहते हैं गुरु के परम आत्मीय रूपे, बोले गुरुदेव शिष्य को अपना परम, अगर कोई आत्मीय, आत्मीय मतलब कोई अपना जन अगर जगत में कोई है ना, केवल गुरु जी है। एक छोटी सी कथा सुन लो। बोले एक समय कोई एक शिष्य था, गुरु जी को पास में आता था, तब गुरु जी समझाया करते, देख बेटा जगत में कोई किसी का नहीं है, ये झूठा संसार है, ये जो प्रीति संसार में दिख रहा है वो चुके तुमसे कुछ मिलेगा इसलिए प्रीति दिख रहा है, लेकिन संसार में जितने प्रीति देख रहे हो ना बच्चे, जगत में कोई किसी को प्रेम नहीं करते हैं, वो केवल स्वार्थ में लगे हुए, इसलिए थोड़ी ऊपर से प्रीति दिखता है, हैं? कहता आप कैसे हो? बोले जब तक जेब में पैसा हो, पैसा गन और तुम कौन, हैं? पैसा गन तुम कौन, इसलिए बेटा वास्तव रूप में जगत में कहीं प्रेम नहीं है बेटा। चेला ने कहा गुरुदेव आप तो घर गृहस्थी किए नहीं, आप तो त्यागी संत, आपको क्या पता संसार में प्रेम है कि नहीं, अगर मैं थोड़ी सी जाने में संसार में लेट हो जाए ना, मेरी पत्नी तो भोजन नहीं करती, बच्चे कहते पापा पापा कहाँ गई, अभी तक पापा जी नहीं आए, आप तो घर गृहस्थी किए ही नहीं, आपको क्या प्रीति पता है? बोले तेरे को दिखाऊंगा। बोले क्या दिखाएंगे? बोले देख बेटा तेरे को एक मैं मंत्र देता हूँ, ये ऐसे एक मंत्र है, ये मंत्र पढ़ते ही तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, लेकिन मरोगे नहीं, लेकिन लगेगा जैसे मर गया, लेकिन ये दुनिया क्या बोल रहे नहीं बोल रहा है सब सुनते पाओ, लेकिन बेटा एक काम करना, आज जब घर में जाना थोड़ा नाटक करना, मेरा शरीर अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ मेरा शरीर खराब है, इस साथ मैं मर जाऊंगा, हैं? और बोल देना अगर मेरे शरीर में इधर उधर कुछ दिखे है ना, हमारी गुरु जी को थोड़ा याद करा देना, हैं? और बोलते बोलते ऐसे जगह पर गिरना दो पिलर के बीच में, जब तक ये पिलर को नहीं काटे जब शरीर जैसे नहीं निकले, ऐसे जगह पर ये मंत्र पढ़ते पढ़ते ऐसी जगह पर तुम गिरना। और घर में आया, घर में आकर बोल दिया, लगने लग नाटक किया,
बोले शरीर अच्छा नहीं लग रहा है, लगता है मैं प्राण छूट जाएगा, मैं मरने वाला हूँ, थोड़ा नाटक करने लग गया, पूरा परिवार इकट्ठे हो गए, रोने लग गए कि बेटा का क्या हो गया, बेटा का क्या हो गया। बोले देखो अगर मेरे शरीर में इधर उधर कोई चीज देखे ना, थोड़ा गुरु जी को याद कर देना। और गुरु जी जो मंत्र दिया था ना, वो मंत्र को पढ़ते ही धड़ाम कर गिरे, हाथ पैर को फैला करके दो पिलर को बीच में गिरे, ऐसे गिरे पिलर काटे बगैर शरीर निकलेगा नहीं है। इतने में सब घर में रोना धना, बेटा मर गया, रोना धना लग गया। इतने में पत्नी बोली, हे भगवान मैं मर जाती तो कम से कम ये पैसा कमा कर तो बच्चे को पाल लेते, मैं क्यों नहीं मर गई। बच्चे कह रहे हैं मेरे हमारे पिता क्यों मर गया, हम मर जाते तो अच्छा रहता, सर को कौन पालेगा। जो पिता माता थे ना बूढ़ा बूढ़ी, बोले हम बूढ़ा बूढ़ी हो गए क्यों जिंदा, हाँ बच्चा रहता तो हम मर जाते, तो बच्चे रहता तो संसार को पाल लेता। सब रोने लग गए, हम मर जाते बच्चा जिंदा रहता। इतने में और मर गया, नाक में रुई लगाया तो श्वास बंद। लेकिन बोला था गुरु जी को, थोड़ी याद करा था ना। अभी गुरु जी को भागते भागते गए, गुरु जी को बोले गुरुदेव आपका शिष्य तो शरीर छोड़ दिया। बोले तो अभी अभी आश्रम से गया। बोले तो अभी अभी आया, ठीक ठाक था, पता नहीं क्या हो गया बीच में है। तो गुरुदेव को सब पता, गुरुदेव भागते भागते आए, गुरुदेव भी नाक में नाड़ी पकड़े देखा तो नाड़ी बंद। बोले तो मर गया। बोले हाँ गुरुदेव मर गया, हम मर जाते तो अच्छा रहता, पिता माता बोल रहे, पत्नी बच्चे बोल रहे हैं, पत्नी बोल रहे। इतने में गुरु जी ने कहा देखो तुम्हारी बेटा बच सकता है। बोले गुरुदेव बेटा बच सकता है मरे हुए व्यक्ति? बोले हाँ बचा दूंगा, लेकिन एक कठिन काम करना पड़ेगा। बोले गुरुदेव जो बोलेंगे सो करने के लिए तैयारी। आप बोले बताओ क्या करना पड़ेगा? बोले ये जिंदा हो सकता है लेकिन किसको प्राण देना पड़ेगा, बदले में प्राण देना पड़ेगा तब ये बच जाएगा। जो बोले बदले में प्राण देना ना, जो रोना सो बंद, प्राण देना पड़ेगा ना, विनिमय आ गया। अभी कौन प्राण देगा बताओ, कौन मरना चाहते हो? कोई मरना चाहते हैं? कोरोना आया ना, सबको बंद कर दिया ना घर में, किसको घर से निकलने नहीं दिया है। जितने बड़े बूढ़ी क्यों होना हो जाए, जितने बड़े बूढ़ी क्यों नहीं हो जाए, मरना कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं मरना चाहते है। सबका रोना बंद, चुप सबके सब। गुरु जी बोले भैया चुप क्यों हो गए, अभी तो बोल रहे थे जो कुछ बोलने के देने के लिए तैयारी है। पहले पिता माता को पूछे, अब तो डोकरा डोकरी हो गए, बूढ़ा बूढ़ी हो गए, मरने वाले, कुछ दिन बाद में प्राण दे दो। अभी तो बोल रहे थे बेटा क्यों जिंदा नहीं रहा, हम मर जाते, प्राण दे दो, मरने का समय आ गया। बोले गुरुदेव मरने के बाद कोई थोड़ी जिंदा थोड़ी होता है, दो चार साल जिंदा रहूंगा, बढ़िया बढ़िया खाऊंगा पीऊंगा, थोड़ा आनंद लूंगा। अब बच्चा मर गया, मर गया जला दो, क्या होगा, लेकिन बच्चा सब सुन रहा है। पत्नी से बोले भैया तुम तो बोल रही थी अगर जिंदा रहते कमा करके संसार पाल लेते, तुम मर जाओ। बोले गुरु जी पिता माता की एक ही बेटी में हूँ, हाँ हमारी पिता माता की कोई और बेटी है नहीं, मैं अकेला बेटी हूँ। कोई मरने के बाद थोड़ी कोई जिंदा रहते, मर गया छोड़ दो, जला ही दो उनको, और जिंदा करें क्या लाभ है। बच्चों को बोले भैया तुम तो बोल रहे थे हम ही मर जाते, पिता रहते। इतने में कहते हैं हम तो छोटे बच्चे हैं, अभी तो सारा दुनिया हमको देखना है, हाँ दुनिया को देखनी है, हाँ अभी हम मर करे क्या करेंगे, पिता मर गए तुमको जला दो ना, जिंदा करें क्या होगा। इतने में गुरु जी ने कहा भैया देखा इसका जो शरीर है ना, ये दोनों पिलर को बीच में फंसा हुआ है, इसका शरीर तो निकलेगा नहीं, ये पिलर को तोड़ दो, पिलर को काट तोड़ दो। पत्नी बोली पिलर को तोड़ देंगे, फिर पिलर कौन बनाएगा, ये तो मर गया, उसका शरीर को काट करके निकाल दो ना, वो जिंदा सब सुन रहा है। इतने में उसका जो बीवी था ना, इतना बड़ा तलवार लेकर कहा काटने के लिए, लेकिन वो तो जिंदा तो मरा नहीं ना। बोले हे भगवान मैं तो मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ, ये तो मेरे हाथ पैर काटने के लिए ले आई तलवार। वो तो डर गया, उसने डर गया, डर के बोले हे भगवान क्या होगा। इतने में गुरु जी ने कहा देखो तुम लोग तो कोई प्राण देने के लिए तैयार नहीं। बोले गुरुदेव जला दो और क्या होगा। गुरु जी बोले अगर मैं प्राण दे दूं? बोले गुरुदेव आप ही मर जाओ। गुरुदेव आपको तो आगे पीछे कोई है नहीं, बीवी बच्चे तो कोई नहीं आपकी, इसलिए गुरुदेव आप ही मर जाओ हैं, और हमारी
पति को जिंदा कर दो, बच्चों को जिंदा कर दो। बोले ठीक है, मैं ही मर जाता हूँ। इतने में गुरुदेव गए, जा करके उसको छाती पर हाथ रखे, वो तो मरा नहीं था ना, जिंदा था। उसको छाती पर हाथ रखे, मंत्र पढ़े तो जिंदा हो गया। जब जिंदा हो गया, पूरा परिवार खुश हो करके, मेरा बेटा है, मेरे पिता है, मेरे पति घर गए। इतने में गुरुदेव जब चल पड़े ना, चेला भी पीछे पीछे चल पड़ा। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो सोच रहा था, मेरे को सभी बड़ा प्यार करते, प्रेम करते, मैं मरा नहीं, मैं तो जिंदा था, मैं तो सुन रहा था, हाँ सुन रहा था, कौन क्या मेरे लिए क्या बोल रहे हैं, मैं सुन रहा था कौन मेरे लिए क्या बोल रहे हैं। सचमुच से जगत में गुरु के जगत, गुरु के सिवाय जगत में कोई है ही नहीं। इसलिए जिसने प्राण दिया भैया, उसको साथ में मैं चल रहा हूँ, हैं मैं उसको साथ में चल रहा हूँ। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, कहते जो गुरुदेव वास्तव रूप में कौन है, कहते परम आत्मीय है। अपना अगर बोल करके जगत में कोई है ना, ये गुरुदेव है, जो निष्कपट रूप में हमसे एक चीज चाहते हैं, ये शुद्ध रूप में कैसे भक्ति करके इस संसार में जो दुख कष्ट जो 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 भोग कर रहे हैं, हैं ये दुख कष्ट से कैसे निकल करके कैसे भगवान के चरण में पहुंच जाए, गुरुदेव यही चाहते हैं। रूपे गुरुदेव कौन है? बोले भगवान की अत्यंत ये प्रिय है, प्रीत्यास्पद रूपे। अगर हमें सचमुच से कोई प्रीति करते हैं, सचमुच से कोई प्रेम करते हैं, कौन करते हैं? बोले से गुरुदेव ही करते हैं, नित्य प्रभु। बोले गुरुदेव कौन है? हमारी जो हर समय हमारी जो प्रभु है, नित्य सभ्य है। इस जगत में हम किसको सेवा करनी चाहिए? बोले गुरु जी को सेवा करनी चाहिए। जीवन सर्वस्व बोले जाने, हमारे जीवन का सब कुछ कौन है? बोले से गुरुदेव है। शिष्य जानन जे श्री गुरुदेव जुगपत भक्ति विग्रह भगवत विग्रह। कहते गुरुदेव कौन है? शिष्य गुरुदेव को किस रूप में जानते हैं? बोले एक साथ में जो गुरुदेव है, भक्ति की साक्षात विग्रह है। भक्ति का साक्षात विग्रह कौन है? गुरुदेव है। एवं भगवत विग्रह, भक्ति स्वरूप भी और गुरुदेव भगवत स्वरूप, दोनों रूप में गुरु जी को जानते हैं, हैं? इसलिए श्री गुरुदेव कृष्ण रे प्राण अपेक्षा प्रिय, तार अभिर्ण मूर्ति वा प्रकाश विग्रह। गुरुदेव कौन है? बोले कृष्ण रे प्राण अपेक्षा प्रिय। गुरुदेव कौन है? अत्यंत भगवान की प्रिय है, हैं? इसलिए हमारे विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं ना, निकुंज जून रति केली सीधई जाजाली बीजु तिरपेक्षनिया तत्रादि दाक्षा दति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरुदेव कौन है? कहते ये राधा रानी की निकुंज में जो राधा रानी के अत्यंत जो प्रिय सेवक है और उनके सेवा में जो बहुत बहुत निपुण से गुरुदेव है, हैं? कहते वो कौन है? कहते भगवान की प्रकाश अभिन्न विग्रह रूप में हमारी कल्याण करने के लिए गुरुदेव आए हैं। इसलिए गुरुपाद पद मेरे दास्य व्यतीत तो कृष्ण दास लाभर संभावना नहीं। अगर कोई सोचे अरे गुरु जी की सेवा फेवा करने का कोई जरूरत है, हम तो भगवान की सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे। भैया गुरु जी सेवा की बगैर तुम भगवान की सेवा कर ही नहीं सकते हो, हैं? इसलिए बल्कि जितना भगवान के प्रति विश्वास प्रीति, उससे ज्यादा श्री गुरु जी की प्रति होनी चाहिए। जरा गुरु दास्य बात सेवा करें, तारा ही प्रकृत वैष्णव बरा प्रकृत शिष्य। वास्तव रूप में शिष्य कौन है? जो गुरु जी की दास्य सेवा करते हैं, तारा ही प्रकृत वैष्णव है, तारा वास्तव रूप में लोक शिष्य है। आर बाद बाकी सकल ही अहंकारी विमूढ़ आत्मा सोजा कथा भोगी हवार वासना युक्त। जो गुरु जी के दासत्व छोड़ करके, गुरु जी का प्रति प्रीति को छोड़ करके, जो हैं जो बात बाकी और जितने लोग है सबके सब अहंकारी है, हैं? सबके सब अहंकारी है और मूर्ख है, और एक कथा में बोलने के लिए अगर बोलोगे तो केवल भोगी और कुछ है ही नहीं, केवल संसार का विषय भोग कैसे करेंगे उसी में ही लगे हुए हैं और कुछ है नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते भैया वास्तव रूप में वही शिष्य है जो गुरु जी का प्रति जिसको जितने भावना सेवा की भावना है, वास्तव रूप में वो उतना ही शिष्य कहने का लायक है।
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, निताई गौर प्रेमानंदे, बोले श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे Hare Rama